हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो मैं हूँ राशि। आज आपको लग रहा होगा किस तरह से खड़ी है राशि। ये देखिए मेरे कपड़े, एक्चुअली चप्पल इग्नोर करना। मेरी एनिवर्सरी थी, आपको पता ही चल गया होगा बहुत लोग। और हाँ, जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मैं गई हुई थी नैनीताल जिम कॉर्बेट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ हमने एनिवर्सरी मनाई। उधर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। और काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले एक वीक में। मेरा फ़ोन चेंज हुआ है, मुझे नया फ़ोन मिला गिफ्ट में। तो वो सब नंबर कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेंज करने में, और आपको पता ही है मैं अपने ब्लॉग वगैरह फ़ोन से ही शूट करती हूँ, इसके लिए मैंने नया फ़ोन ले लिया है अब वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं बता रही थी, हम गए थे वहाँ पे, मैं गई थी जया और उनकी फैमिली, हम गए थे क्योंकि उनकी भी एनिवर्सरी सेम डे होती है। हमारी एनिवर्सरी सेम डे हुई थी, एक ही दिन थी हमारी शादी, तो वो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। तो उसका सेलिब्रेशन हम आज कर रहे हैं घर पे। छोटा सा डिनर रखा है घर पे ही और केक वगैरह कट करा है। और राशि रैना ने बड़ी मेहनत करके 5 डिश बनाई हैं, 2 मीठे की सब्जी बनाई है और काफी मेहनत की इन्होंने, और मेहनत का साफ दिख भी रही होगी, पसीने पसीने हुई पड़ी है बेचारी। और इसके मेहनत का अब हम खाएंगे चौमिन नूडल्स। तो आज हमने मंगाई है बाहर से नूडल्स और पाव भाजी, केक, जलेबी और राशि रेढ़ा अपने पैरों पे पैदल चल के वो भी टिक्की वाले से सारा सामान पैदल लेके आई है नंगे पाँव। एक पूजा अर्चना की तरह अपने नंगे पांव गई है और सारा कुछ लेके आई है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने श्री चरणों से चल के लेके आई है वो, ऐसा सब कुछ है। हम बाहर चले गए थे तो घर में सबने कहा कि हमें बाहर से ही कुछ मंगा के दो, ने चटपटा खाने का मन था इसलिए हमने बाहर से ही मंगाया। आज हम घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी। वैसे हमारी एनिवर्सरी 28 जनवरी को थी पर घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो घर वालों के रिक्वेस्ट को मानते हुए आज राशि डेढ़ा सेलिब्रेट करेगी अपनी एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी है मैं नहीं बताऊंगा, बता दो दूसरी एनिवर्सरी दूसरी एनिवर्सरी है 5 साल का बच्चा काम 5 जन्मदिन मना चुके नहीं वो 2020 के बाद वाली दूसरी है, 2011-12 वाली वो अलग है 10 के बाद वाली अलग है 20 के बाद वाली 2 हो चुकी है। ठीक है, उससे पहले कितनी थी ये आप गैस करके हमें बताओ। जो सही जवाब बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो गलत बताएगा उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, बट कोशिश करो, ट्राई करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पहले तुम छोटे थे ना, तुम बड़े हो गए, आदर में मैंने मजबूत से पढ़ी पैर। ठीक है, आदर नीचे ऐसे ठीक है ना, हाथ धो गया मैं चाटा मार दूंगा बदतमीजी का, हाथ धो गया एक ही लगा लो, पहली एनिवर्सरी थोड़ी मुझे एक ही लगा ठीक अब लगी थोड़ी पड़ेगी। कितनी लगी? 10 क्यों? 10 साल हो गए, 10 साल चल गए, 10 साल हो गए क्यों? 2015 में तो हुई दादी, 14 में कह रही, 14 में हुई, 14 में कितने साल हुए, कम ही तो हुए, तो पोते हुए 2014 में हुआ ये हुआ 2018 में।
अरे ये हुआ ना 2019 में, 2020 में, 2020 में है, छोटा बेबी है अभी, छोटा बेबी खराब कर देना तेरा खाना। उसमें लगा, चल छोड़ में लगा दूंगी, दादी ने हाथ साफ कर लिया एक थप्पड़ हाथ साफ कर चुकी चलो इधर चलो हैप्पी बर्थडे कर लो मिस्टर डेटा मैं चाकू भी नहीं दे रहा हट जा अरे तू मिकी लग जाएगा पीछे के हां मिकी हट जा चलो 1 2 3 कमाई करवाने को करवा देना शादी जी सोच समझी तुम पेट छुपा लो पेट आज तो दो तीन दिन से दिख रहा ले दादी को खिला दे कान्हा दादी को खाना खिला रहा केक खाना अगला सही चाचू लगा चाचू चाचू पूजा केक उठा ले पूजा केक उठा ले खराब कर देगा लगा दे लपेट दे लपेट दे मेरा तो लगा दिया लग चुका है मेरा तो लग चुका है कपड़े क्यों खराब कर रहा है ना कपड़े क्यों कर रहा है मिकी नहीं मिकी कपड़े नहीं कपड़े तो छोड़ दे हेलो ओए 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 क्या दिल लग जाए ना आराम से कर तू जो भी कर रहा आराम से खाना ही खा को आया ना होगा उड़ जा आदि बाबा जी केक दी बाबा अरे यार पूछ रहे था हूं केक के मैं ना
तो ये है जलेबियां ये लास्ट, और अब हमारा कई दिन एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो चुका है। आप लोगों ने मुझे देख ही लिया, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लग रही है। शायद मे भी ये बहुत छोटी वीडियो होगी, बट बहुत लोग वेट कर रहे हैं मेरे ब्लॉग का, तो इसलिए मैंने जल्दी से अपलोड करने के लिए सोच रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया जो आज हमारा सेलिब्रेशन हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट जल्दी ही ब्लॉग में। हैप्पी एनिवर्सरी माई लव माई लाइफ लाइन मेरी मेरी अर्धांगनी मेरे जीवन साथी मेरे लाइफ पार्टनर सुख दुख की साथी बस मुझे सपोर्ट करने वाली फैमिली थिन एंड थिंग मेरे घर को घर बनाने वाली द वन एंड ओनली माय वाइफ काशी रेड। जलेबी टेस्टी है, आप भी जरूर खाना, बहुत टेस्टी है, और सेम वर्डिंग्स आपके लिए। देखो जिनको नहीं बोल रहा था वैसे ही बोलते हैं, ऐसी पतली वाली जलेबी बड़ी टेस्टी होती है, जब भी टाइम मिले खा लिया करो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू माय वन एंड ओनली ओके।